गाइस कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं 11 से लेकर 20 जून तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि सभी तरीके के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंक तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो या फिर सिविल सर्विसेज कर रही हो, हर एक तरीके के एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये एक वीक का पूरी तरीका से आपको देखा जाए तो एक पूरे वीक का एक सार आपको एक साथ मिल रहा है इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें। और अगर वीडियो में आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और नीचे जाना, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ जा करके आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, उससे आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पर आपको वीडियो का PDF मिल जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, हर एक टॉपिक को हर एक सेक्शन वाइज मैंने बांटा है और हर एक सेक्शन वाइज को आपको देख काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है इम्पॉर्टेंट डेज का। जो इम्पॉर्टेंट डेज आपको जून महीने में आते हैं 11 से लेकर 20 तक में, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेगमेंट में। तो पहला सेगमेंट में हम लोग फर्स्ट डेट आता है हमारा 12th जून। 12th जून काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक इकलौता दिन जो हम लोग मनाते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। पहली बार 2002 में ऑब्जर्व किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2002 में पहली बार इसे ऑब्जर्व किया गया था। थीम क्या है इस बार का, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। तो 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर पहली बार 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, और थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। ये इसका थीम है इस बार का। नाउ अगला है 12 से लेकर 20 जून तक, क्योंकि 12 को हम लोग स्टार्ट करते हैं चाइल्ड लेबर, जो हमारा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, इसलिए 12 से लेकर 20 जून तक इंडिया में मनाया जाने वाला है चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन वीक। चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन वीक 12 जून से लेकर 20 जून तक हम लोग मनाने वाले हैं, और ये 75 जगहों पे होगी, इंडिया की 75 प्लेसेस में हम लोग मनाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस साल इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे है, 75वीं वर्षगांठ है, और उसके लिए 75वीं वर्षगांठ के रूप में हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए 75 जगह को चुना गया है इसके लिए। और ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया है, तो NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 जून, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम लोग 14 जून को मनाते हैं, और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है आपको कार्ल लैंडस्टीनर का। हु इज कार्ल लैंडस्टीनर? ही वाज द फाउंडर ऑफ ब्लड ग्रुप। जो हमारा ब्लड ग्रुप है AB और O, इन चारों ब्लड ग्रुप का फाउंडर जो है उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, और उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी में हम लोग मनाते हैं 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और इस बार का थीम क्या है, डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडैरिटी। डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडैरिटी। नेक्स्ट 15 जून, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। थीम इस बार का डिजिटल इक्वलिटी फॉर ऑल एजेस। 15 जून को हम लोग ग्लोबल विंड डे मनाते हैं, जो स्टार्ट किया गया 2007 में, और इस बार का थीम है सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ क्लीन एनर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है आपको 17 जून, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए 17 जून को। 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, सूखे के लिए, सूखे को कॉम्बैट करने के लिए, और डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण को कॉम्बैट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1995 में। नेक्स्ट 19 जून को मनाते हैं वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, इसका थीम है शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। सिकल सेल एक्चुअली में है क्या, सिकल सेल डिजीज हम लोग का प्रॉब्लम है हेमोग्लोबिन बीटा जीन का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम 11 में जो होता है। हमारे पास टोटल पेयर कितने हैं क्रोमोजोम्स के, तो 23 पेयर्स हैं या 46 क्रोमोजोम्स हैं हमारे पास, उसमें से क्रोमोजोम नंबर 11 में जो होता है ये सिकल सेल डिजीज होता है,
और इसको इसके अवेयरनेस को फैलाने के लिए 19 जून को हम लोग वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाते हैं। नेक्स्ट 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है 20 जून को। हुएवर वाट एवर वेन एवर एवरी वन हैज अ राइट टू सीक सेफ्टी, ये इस बार का थीम है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का थीम आपको 20 जून को है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, और इसका थीम क्या है, हुएवर वाट एवर वेन एवर एवरी वन हैज अ राइट टू सीक सेफ्टी। नाउ अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशंस। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन पर हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ IMF, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके डायरेक्टर के रूप में एशिया पैसिफिक रीजन के लिए कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा श्रीनिवासन। कृष्णा श्रीनिवासन चुना गया है डायरेक्टर ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात किया जाए तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1944 में, हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन DC में, टोटल मिला के 190 कंट्रीज है इसमें, और इसमें न्यूएस्ट एंट्री जो है उसका नाम है एंडोरा। एंडोरा ले वेला एक कंट्री है जो आपको यूरोप की पड़ती है, वो इसका न्यूएस्ट एंट्री है, ये न्यूएस्ट मेंबर है आपको, 190th मेंबर है IMF का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट किसे एडिशनल चार्ज दिया गया है COS प्रसार भारती, प्रसार भारती जो आप लोग दूरदर्शन देखते हो ये प्रसार भारती का ही, या फिर आपको और रेडियो चाहिए ये प्रसार भारती के अंदर ही आता है। तो प्रसार भारती के एडिशनल चार्ज CEO किसको अपॉइंट किया गया है, इसको अपॉइंट किया गया क्योंकि शशि शेखर वेम्पति जी ने छोड़ दिया है, उसके जगह पे मयंक कुमार अग्रवाल को शशि शेखर वेम्पति जी के जगह पे चुना गया है एडिशनल CEO ऑफ प्रसार भारती। ओके नाउ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ओम्बुड्समैन ऑफ मनरेगा। ओम्बुड्समैन क्या होता है, ओम्बुड्समैन जो होता है ये होता है आपको इंडिया में से बोलते हैं हम लोग लोकपाल। तो मनरेगा का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है, स्वरूप कुमार शाह, SL थाउसेन, NJ ओझा या अजय कुमार श्रीवास्तव? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज NJ ओझा। NJ ओझा को अपॉइंट किया गया है मनरेगा का लोकपाल। अब मनरेगा जो था वो पहले था नरेगा आपको, और ये कब का अधिनियम है, ये 2005 का एक्ट है, और ये स्टार्ट कब से हुआ था नरेगा, तो 2002 फरवरी 2006 से हुआ था, और उसमें M फॉर महात्मा गांधी, ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का नाम से जुड़ा गया है। तो ये कब से जुड़ा गया, और इसे मनरेगा कब से बुलाना स्टार्ट किया हम लोग करते हैं, तो मनरेगा स्टार्ट हुआ है 2 अक्टूबर 2009 से हम लोग इसे बोलना स्टार्ट किए हैं मनरेगा। ओके नाउ कौन से बैंक ने अपॉइंट किया है आर सुब्रमण्यम कुमार को अपना न्यू MD और CEO? तो न्यू MD और CEO जो है आर सुब्रमण्यम कुमार बन चुके हैं RBL बैंक के न्यू MD और CEO बन चुके हैं आर सुब्रमण्यम कुमार। RBL बैंक का हेडक्वार्टर्स आपको है मुंबई। ओके नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इंडियन डिप्लोमेट को अपॉइंट किया गया है UN चीफ इन्वॉय ऑन टेक्नोलॉजी, UN चीफ इन्वॉय ऑन टेक्नोलॉजी के रूप में किस इंडियन डिप्लोमेट को अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमनदीप सिंह गिल। अमनदीप सिंह गिल को UN चीफ इन्वॉय ऑन टेक्नोलॉजी के रूप में अपॉइंट किया गया है। ओके नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बनाया गया है अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? ये पहली बार एक महिला ही बनी है, और ये जो है उनका नाम है रबाब फातिमा, बांग्लादेश की पहली महिला जो जिन्होंने UN का ये पोजीशन एक्वायर किया है, अंडर सेक्रेटरी जनरल बन गई है यूनाइटेड नेशंस की। इसका आंसर है रबाब फातिमा फ्रॉम बांग्लादेश। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में पहली इंडियन वुमेन किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आरती प्रभाकर। आरती प्रभाकर को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में अपॉइंट किया गया है, उनका डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, और ये पहली इंडियन वुमेन है जिसे ऐसा करने का उपाधि मिला है, अपॉइंट किया गया है। ओके नाउ एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की न्यू प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, चंद्रमौली कुमार प्रसाद, संजीव बजाज या रोहन दास? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई।
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को चुना गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का न्यू प्रेसिडेंट। एस्टैब्लिशमेंट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1966 और इससे पहले चंद्रमौली कुमार प्रसाद इसके प्रेसिडेंट थे। अगर आपको बात किया जाए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के बारे में, ये फॉर्मर जस्टिस आपको रह चुके हैं, तो इनका मेजर अभी अचीवमेंट अभी हाल ही में न्यूज़ में ये क्यों रही है, तो ये हाल ही में न्यूज़ में इसलिए रही है क्योंकि इन्होंने जो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अप्लाई होने वाला है उत्तराखंड में, उसकी आपको अध्यक्षता में उसकी कमेटी में इनका कमेटी में थी। और साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में जो डीलिमिटेशन हुआ है और विधानसभा की सीट जो 90 की गई है जम्मू एंड कश्मीर में, तो उनमें भी जो कमेटी की हेड थी उनका नाम था जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो ये तीन चीज़ अभी का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रंजना प्रकाश देसाई के बारे में। तो पहला, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। दूसरा, उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए जो कमेटी बैठाई गई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा। और जब जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन हुआ था तब भी जो विधानसभा की सीट 90 हुई थी उस समय भी रंजना प्रकाश देसाई कमेटी ही गठन की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ बनता है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। नाउ अब हम लोग अपने तीसरे सेगमेंट जो कि है रैंकिंग एंड इंडिसेस इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया का रैंक ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में इंडिया का रैंकिंग कितना है, 120, 21, 23, 24? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 121। एसडीजी जो हम लोग के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो बात की गई है, इसका मतलब एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें जिससे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्शन हो सके, इसके लिए एसडीजी गोल रखा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया है जिसका टारगेट रखा गया है 2015 से 2030 तक। और इसमें जो है इसमें टोटल मिला के 17 गोल्स हैं, टोटल मिला के इसमें 17 गोल्स रखे गए हैं एसडीजी में। और इंडिया का रैंकिंग इसमें है 121 और नंबर वन रैंक पे है फिनलैंड और लास्ट जो है 763rd रैंक है वो है साउथ सूडान का। साउथ सूडान एक कंट्री है आपको अफ्रीका की। ओके, नाउ अभी कौन से कंट्री का नाम आ गया है टॉप रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में, सबसे टॉप मोस्ट कंट्री कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ यूएसए, 367 बिलियन डॉलर्स के साथ नंबर वन पोजीशन एक्वायर करने वाला यूएसए है एफडीआई के मामले में। नंबर सेवन्थ पे आपको आता है कौन, इंडिया विथ 45 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई 2021 का। ओके, नाउ सिप्री ईयरबुक के अनुसार, सिप्री जो है वो एक्चुअली में सिप्री एक संस्थान है जो क्या करती है, जो आपको चेक करती है न्यूक्लियर वेपन्स या वेपन्स के बारे में आपको जानकारी देती है, वो इंस्टीट्यूट का नाम है आपको सिप्री। तो सिप्री ने अपना ईयरबुक जारी किया है, ईयरबुक 2022, इसमें किस कंट्री के पास हाइएस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, सिप्री के अनुसार किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज रशिया। रशिया के पास 5977 वेपन्स हैं रशिया के पास। इंडिया इसमें 7th पोजीशन पे है जिसमें मात्र आपको 100 कुछ आपको वेपन्स इंडिया के पास है। रशिया के पास 5977 है और यूएसए के पास भी इससे जस्ट कुछ कम आपको ऑलमोस्ट 5800 के आसपास है। मतलब ऑलमोस्ट जो आपको 90% आपका न्यूक्लियर वेपन्स है ये दो कंट्री के पास है, एक है रशिया एक है आपको यूएसए के पास। ओके, तो सिप्री बुक के अनुसार, सिप्री ईयरबुक के अनुसार सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंकिंग क्या है, 33, 36, 37, 38? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दैट इज 37। 37th रैंक है इंडिया का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। फर्स्ट रैंक है डेनमार्क का, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। और आखिरी रैंक जो 63rd रैंक है, तो सिर्फ 63 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए हैं। और आखिरी रैंक है आपको वेनेजुएला का, जहाँ का आपको राजधानी है कैराकास, ठीक है। और इससे पहले इंडिया की रैंकिंग थी 43rd, तो 43rd से 37th पोजीशन पर हम लोग आए हैं इस बार। और अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान की रैंकिंग, तो भैया पाकिस्तान को वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में शामिल ही नहीं किया गया है, उसे बोला गया था कि इसमें आप लोग जो हैं इसमें शामिल होने के आप लोग योग्य नहीं हैं, पाकिस्तान के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड पीस, विश्व शांति,
सूचकांक, दैट इज़ वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंकिंग कितना है, तो इंडिया की रैंकिंग है वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 135 रैंकिंग है इंडिया की। इससे पहले 137 था। फर्स्ट पोजीशन पे आइसलैंड, लास्ट पे अफगानिस्तान, और सबसे अच्छी बात जो कि एशिया का एक कंट्री जिसका नाम है, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, दैट इज़ भूटान, उसका रैंकिंग 19 पोजीशन पे है। आपको है कौन, भूटान है 19 पोजीशन पे आपको भूटान है। अगर आपसे पूछा जाए भूटान की राजधानी क्या है, भूटान कैपिटल क्या है, तो भूटान कैपिटल है थिम्फू। और आइसलैंड, आइसलैंड कैपिटल क्या है, आइसलैंड कैपिटल है रेजविक, रेजविक जो है आइसलैंड कैपिटल है। अफगानिस्तान कैपिटल है आपको काबुल। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट डेट इज स्पोर्ट्स न्यूज़ की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। हमारा फोर्थ सेगमेंट डेट इज स्पोर्ट्स न्यूज़। सो व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ 44th चेस ओलंपियाड, 44वां चेस ओलंपियाड जो है ये होने वाला है, तो और इसका मैस्कॉट क्या है, तो 44वां चेस ओलंपियाड, सबसे पहले ये जो चेस ओलंपियाड है ये होने कहाँ वाला है, तो ये जो हमारा चेस ओलंपियाड है ये होने वाला है आपको चेन्नई में, आपको चेन्नई में होने वाला है चेस ओलंपियाड। और इसका जो आपका मैस्कॉट है उसका नाम है थम्बी, थम्बी जो है वो 44th चेस ओलंपियाड का मैस्कॉट है। अब आपको ये सवाल आएगा कि चेन्नई में होने वाला है, इस एक्चुअली में ये चेस ओलंपियाड होने वाला था आपको रशिया में, लेकिन रशिया और यूक्रेन क्राइसिस कारण ये जो चेस ओलंपियाड है इसे आपको हटा करके वहाँ से रिप्लेस करके आपको इंडिया के चेन्नई में स्थान मिला है चेस ओलंपियाड का। तो 44th चेस ओलंपियाड होने वाला है इंडिया चेन्नई में, और इसका जो आपका मैस्कॉट है उसका नाम है थम्बी। ओके मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ विच इन हु बिकम द इंडियाज फर्स्ट वेट लिफ्टर टू विन अ गोल्ड एट IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, IWF का यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन से वेट लिफ्टर ने गोल्ड मेडल जीता और ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो इसका आंसर है गुरु नायडू सनपति। गुरु नायडू सनपति 55 kg कैटेगरी में ये टूर्नामेंट जीते हैं। और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था आपको, तो ये टूर्नामेंट हुआ था आपको लियोन मेक्सिको में, लियोन मेक्सिको में आपको IWF का यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द विनर ऑफ फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विनर कौन रहा है, तो इसका विनर रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए दैट इज हरियाणा, हरियाणा में ही हुआ था ये, पंचकुला हरियाणा में इसे खेला गया था, इसका मैस्कॉट था धाकर, और इसमें फर्स्ट पोजिशन था हरियाणा का और सेकेंड पोजिशन था महाराष्ट्र का, फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द 74th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, 74th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है, तो इसका आंसर है राहुल श्रीवास्तव पी को, तेलंगाना के रहने वाले हैं राहुल श्रीवास्तव पी, उन्हें 74वां ग्रैंड मास्टर बनाया गया है इंडिया का। और ग्रैंड मास्टर एक्चुअली में ये किससे रिलेटेड है, तो ये चेस से रिलेटेड है, चेस से रिलेटेड है हमारा ये ग्रैंड मास्टर। 74th ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं आपको राहुल श्रीवास्तव, पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद, आपने नाम सुना काफ़ी बड़ा नाम है आपको चेस में विश्वनाथ आनंद, वो थे हमारे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। अभी 74वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं राहुल श्रीवास्तव पी। और वर्ल्ड चेस डे हम लोग मनाते हैं 20 जुलाई को, वर्ल्ड चेस डे 20th जुलाई। ओके नाउ हु हैज़ बीन नेम्ड एज द मेन्स ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है, हार्दिक पांड्या, एंजेलो मैथ्यूज, डेविड वार्नर एंड स्टीव स्मिथ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका का खिलाड़ी है एंजेलो मैथ्यूज, उन्हें दिया गया ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। और साथ ही साथ अगर आपको बोला जाए फीमेल में, तो फीमेल में टूबा हसन जो कि पाकिस्तान की है, उन्हें दिया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मई के लिए आपको अवार्ड दिया गया है टूबा हसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है जैवलिन थ्रो करके, जो कि सबसे हाईएस्ट है किसी भी नेशनल स्टेज पे इंडिया के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो ये रिकॉर्ड एक्चुअली बनाया कहाँ गया है, पावो नुर्मी गेम्स बनाया गया है, और 89.3 मीटर का भाला उन्होंने फेंका है, जैवलिन थ्रो उन्होंने किया है, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है, और गोल्ड जिसने जीता है उसने किया है आपको, इट इज़ नॉट 87, इट इज़ 89.58 मीटर का गोल्ड मेडल आपको फेंका है ओलिवर हेलेंडर ने, 89.58 मीटर, ठीक है। तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जैवलिन में गोल्ड मेडल जीत के, और ये गेम्स क्या, कौन सा गेम्स है, पावो नुर्मी गेम्स, जो कहाँ पर हुआ है आपको, फिनलैंड में हुआ है।
ओके, याद रहना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप, इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसने मेन सिंगल टाइटल जीता है? तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विक्टर एक्सेलसन। डेनमार्क के रहने वाले हैं विक्टर एक्सेलसन, इन्होंने जीता है 2022 का इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन। और अगर बात किया जाए फीमेल विनर के बारे में तो चाइना की चेन यूफई, चाइना की चेन यूफई ने जीता है वुमेन्स टाइटल एट इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन। विक्टर एक्सेलसन डेनमार्क के, जिन्होंने जीता है इंडोनेशिया मास्टर्स, और फीमेल में चाइना की चेन यूफई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने 498 रन नीदरलैंड्स के खिलाफ बनाए हैं ओडीआई का सबसे हाईएस्ट स्कोर? द हाईएस्ट स्कोर ऑफ ओडीआई, दैट इज 498 रन, हैव बीन मेड बाय विच टीम? दैट टीम नेम इज इंग्लैंड। इंग्लैंड ने बनाया है रिकॉर्ड 498 रन का अगेंस्ट नीदरलैंड्स ओडीआई मैच में। तो ठीक है, इंग्लैंड ने बनाया, इंग्लैंड ने 498 रन का रिकॉर्ड बनाया है, और किसके खिलाफ बनाया है? तो नीदरलैंड्स के खिलाफ बनाया है। ओडीआई मैच में सबसे अधिक रन मारने का रिकॉर्ड इंग्लैंड ने बनाया है, नीदरलैंड्स के खिलाफ 498 रन मारकर ये रिकॉर्ड कायम किया है। ओके, नाउ अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहला न्यूज़ है हमारे पास, किस एशियन कंट्री ने कैनबिस क्या होता है? कैनबिस आपको मरीजुआना होता है, जो कि आपको अगर बोला जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं अफीम, ओपियम या फिर चरस, गांजा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग कैनबिस। तो इसे लीगलाइज करने के लिए किस एशियन कंट्री ने मंजूरी दे दी है कि इसका प्रोडक्शन में इसके प्रोडक्शन को लीगलाइज किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थाईलैंड। मैरिजुआना के प्रोडक्शन के लिए थाईलैंड ने मंजूरी दे दी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बन चुका है वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट रूनिंग मोनार्क आफ्टर फ्रांस लुइस 14? फ्रांस के लुइस 14 के बाद दुनिया के सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले मोनार्क कौन बन चुके हैं? नोरोडम सिलमोनोई, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ टू? तो इसका आंसर माय ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्वीन एलिजाबेथ टू। 70 साल से ये मोनार्क है, लुइस 14 72 साल के थे, और इन्होंने अभी हाल ही में भूमि डॉल एड्यूलेट जेज को हटाया है। उन्होंने सिर्फ 9 साल तक मोनार्क के रूप में रूल किया था, थाईलैंड के शासक थे, तो इनको हटा करके क्वीन एलिजाबेथ टू जो कि इंग्लैंड की शासिका हैं, 70 साल से मोनार्क बनी हुई है, और अभी दुनिया की सेकेंड सबसे ज़्यादा रेनिंग, सबसे बड़ी रेनिंग मोनार्क बन चुकी हैं इसके बाद, फ्रांस के लुइस 14 के बाद। फ्रांस का लुइस 14 72 ईयर्स का रूल आपको किया था उन्होंने। ओके, नाउ शांग्रीला डायलॉग, शांग्रीला डायलॉग का होस्ट कंट्री कौन है? शांग्रीला डायलॉग एक्चुअली में है क्या? इट इज़ एशिया सिक्योरिटी समिट। एशिया के सिक्योरिटी के लिए जो 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 कुछ भी होगा उसके लिए जो मीटिंग होती है, वो मीटिंग का नाम है आपको शांग्रीला डायलॉग। और इसी के रूप में एक इसका फोटोकॉपी जो इंडिया में होता है, जो सिक्योरिटी के लिए होता है, उसको हम लोग कहते हैं रायसीना डायलॉग, जो इंडिया में दिल्ली में होता है। शांग्रीला डायलॉग का ही फोटोकॉपी उसे हम लोग कहते हैं। तो शांग्रीला डायलॉग इस साल कौन होस्ट करने वाला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिंगापुर। सिंगापुर जो है शांग्रीला डायलॉग एशिया सिक्योरिटी समिट को होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट, कौन सा कंट्री पार्टिसिपेट करेगा 38th कॉर्पोरेट एक्साइज इंडिया के साथ? 38वां कॉर्पोरेट एक्साइज, कॉर्डेड पेट्रोल एक्साइज जो है 38 नंबर का, इंडिया के साथ किस कंट्री के द्वारा हुआ होगा? ये मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या थाईलैंड? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडोनेशिया। और कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपको अंडमान सी और मलक्का स्ट्रेट में। ठीक है, अंडमान सी और मलक्का स्ट्रेट में आपको कॉर्पोरेट एक्साइज होने वाला है। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी ये कहाँ बनने वाला है? बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी ये कहाँ पे बनने वाला है? तो श्रीलंका के कोलंबो में आपको ये बनने वाला है बिम्स्टेक का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी। बिम्स्टेक की बात किया जाए तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका आपको फुल फॉर्म है। बिम्स्टेक का स्थापना हुई 1997 में, और इसमें कितने कंट्रीज है? इसमें 7 कंट्रीज आपको हैं, इसमें इंडिया इसका भाग है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है आपको ढाका, बांग्लादेश में। और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, ना पाकिस्तान शामिल है और ना ही इसमें चाइना शामिल है आपको बिम्स्टेक में। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियान का फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ये कहाँ पे होने वाला है?
ओके तो एशियन का फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो होने वाला है वो इंडिया में एस जयशंकर जी से लीड करने वाले हैं। एक्चुअली में एशियन का मेंबर इंडिया नहीं है, एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, एस्टैब्लिशमेंट 1967, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर्स है और टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इसमें 10 है। लेकिन इस बार 75th ईयर है आपको इंडिपेंडेंस का और हम लोग का एशियन इंडियन आपको फ्रेंडशिप डायलॉग भी हुई थी, इसलिए इंडिया में आपको एशियन का फॉरेन मिनिस्टर्स आपको मीटिंग होने वाला है इंडिया में, जबकि इंडिया जो है एशियन का पार्ट नहीं है। याद रखिएगा एशियन का आपको हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंट्री, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कंट्री बनने वाला है सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया। सऊदी अरेबिया को पे छोड़ के सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है वो इंडिया का, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज रशिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर वन हम लोग जो से ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो है हमारा इराक, और नंबर टू पे हो चुका है रशिया, और नंबर थ्री पे है सऊदी अरेबिया। यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस में इंडिया जो है वो रशिया के साथ, मतलब रशिया के साथ नहीं, इंडिया जो है वो न्यूट्रल स्टैंस लिया हुआ है, और जिसमें आपको इंडिया को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से, क्योंकि रशिया जो है उससे उन्होंने ऑयल का इंपोर्ट स्टार्ट कर दिया और वो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुके हैं रशिया, जिससे हम लोग को जो तेल की आपूर्ति है वो आराम से पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट कौन सा कंट्री जो है इज़ नॉट अ पार्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट द मेंबर ऑफ I2U2 ग्रुप। तो एक न्यू ग्रुप एस्टैब्लिश हुआ है आपको I2U2 ग्रुप, तो I2U2 ग्रुप जो है वो ये ग्रुप जो है वो किसका ग्रुप है, इसमें कौन सा मेंबर शामिल नहीं है, इंडिया, USA, इसराइल या यूक्रेन। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज यूक्रेन। यूक्रेन जो है वो I2U2 ग्रुप का मेंबर नहीं है। I2U2 एक ग्रुप है, तो इसमें I2 और U2 दैट इज इसराइल, इंडिया, यूक्रेन नहीं है इसमें, ठीक है, USA और UAE, तो चार कंट्रीज हैं, इंडिया, USA, इसराइल और UAE, चार कंट्रीज है इसमें आपको I2U2 ग्रुप में। ये ग्रुप जो है आपको जैसे क्वाड बनाया गया है, तो ये ग्रुप भी आपको स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस आपको प्रोवाइड करेगा इंडिया को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है I2U2 ग्रुप। ओके नाउ किस कंट्री ने एग्री कर दिया है टू एबॉलिश द मैंडेटरी डेथ पेनल्टी, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस कंट्री ने एबॉलिश कर दिया है डेथ पेनल्टी को, तो बोला गया है कि डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, इसके अलावा जो भी इसका अन्य विकल्प होगा उसे हम लोग लेंगे। जैसे कि आपको अन्य विकल्प क्या हो सके, अन्य विकल्प हो जाएंगे आपको कि जैसे कि आपको उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी, या फिर आपको 14 साल या 20 साल जो भी तरह की सज़ा होगी वो दी जाएगी, लेकिन एक अल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा किसके लिए, डेथ पेनल्टी के लिए। तो ये कौन सा कंट्री हो चुका है, तो ये कंट्री है आपको मलेशिया, ये वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिसने एबॉलिश किया है मैंडेटरी डेथ पेनल्टी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट इट इज नेशनल न्यूज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको नेशनल न्यूज़ जो हमारे इंडिया की न्यूज़ है वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है एग्जामिनेशन के लिए। तो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक, किस स्टेट या यूटी में सूफी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, किस स्टेट और यूटी में सूफी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में सूफी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक जो है लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स, ये जो है ये बुक में किसके स्पीचेस आपको दिए गए हैं, तो इस बुक में आपको हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट दैट इज रामनाथ कोविंद जी के आपको स्पीचेस को दिया लिखा गया है लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स बुक में। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि आपको नेक्स्ट मंथ ही आपको क्या होने वाला है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है कि लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स जो है ये आपको सेलेक्टेड स्पीच किसके हैं, तो रामनाथ कोविंद के हैं। ओके फर्स्ट स्टेट जिन्होंने फॉर्मली एक्नॉलेज किया है पब्लिक यूज़ ऑफ ड्रोन्स, पब्लिक यूज़ ऑफ ड्रोन्स के लिए किसने एक्नॉलेजमेंट दे दिया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने फॉर्मली आपको एक्नॉलेज कर दिया गया है और ये इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है जिसने पब्लिक यूज़ ऑफ ड्रोन्स के लिए मंजूरी दे दी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने इन स्पेस हेडक्वार्टर्स कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, इन स्पेस का हेडक्वार्टर्स,
जो कि हमारा प्राइवेट इंडस्ट्रीज होगा फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी इन स्पेस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद के बोपल में, अहमदाबाद का एक जगह है बोपल, वहाँ पे आपको मंजूरी दे दी गई है किसके लिए? इन स्पेस के हेडक्वार्टर्स के लिए, इन स्पेस प्रोग्राम के हेडक्वार्टर्स के लिए मंजूरी दी गई है। और ये किसके अधीन पे रहेगा? तो ये आपको रहेगा इसरो के अंडर। इसरो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इसरो के नए चेयरमैन अभी बने थे आपको, जिसका नाम है एस सोमनाथ, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनता है। नेक्स्ट, नन्ही परी कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के द्वारा। और इस कार्यक्रम में एक्चुअली में क्या है, जितने भी लेडीज़ होंगे और जितने भी वुमेन होंगे, जितने भी बच्चे होंगे जो फीमेल चाइल्ड है, उनका एक डाटा आपको गवर्नमेंट के पास रहेगा, जिससे आपको उसको जॉब्स में और जो भी अन्य सुविधाएँ होंगी उसके लिए आपको मदद मिलेगी इस कार्यक्रम के द्वारा, नन्ही परी कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where is the National Museum for Customs and GST? And very 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 important question, कहाँ पे National Museum for Customs and GST inaugurate हो रहा है? किसके द्वारा? Finance Minister निर्मला सीतारमन के द्वारा। ये कहाँ पे होने वाला है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पंजी गोवा। पंजी गोवा में National Museum for Customs and GST inaugurate की जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, गवर्नमेंट्स के मामले में किस स्टेट ने, किस यूटी ने आपको टॉप स्पॉट हासिल किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर। यूटी के मामले में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाइज से डिवाइड किया गया है, स्टेट ए में केरला, स्टेट बी में ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड। ये आपको चार पॉइंट जो है, ये आपको चार पॉइंट याद रखने हैं। नेशनल गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट का रिपोर्ट आया है, तो जम्मू कश्मीर यूटी में, स्टेट ए कैटेगरी में केरला, स्टेट बी में ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट में आपको नागालैंड। ये चार आपको टॉप किए हैं, आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, नाउ सुरक्षा मित्रा स्कीम, सुरक्षा मित्र स्कीम ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया सुरक्षा मित्रा स्कीम। ओके, नाउ पीएम मोदी ने फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग में पार्ट लिया है, और ये कहाँ पे होने वाला है, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है आपको ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला में। धर्मशाला में आपको फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई है, जिसमें पीएम मोदी जी ने भाग लिया है आपको। ओके, नाउ सुजल योजना, हर घर जल मिशन, इसके तहत में एक योजना स्टार्ट की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, सुजल योजना, जिसमें जो हमारा टारगेट है कि हम लोग 2030 तक हर जगह पे, हर हमारे स्टेट में हर घर जल आपको पहुंचाएंगे, उसके लिए सुजल योजना स्टार्ट की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। और कहाँ स्टार्ट की गई है? तो पंचकूला हरियाणा से ये स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज फेस्टिवल क्या है आपको? राज नहीं है, ये है आपको रज। रज फेस्टिवल जो है ये कहाँ सेलिब्रेट की जाती है? तो रज फेस्टिवल आपको सेलिब्रेट किया जाता है आपको ओडिशा में। ओडिशा में किया जाता है, 3 दिन का फेस्टिवल है, और इसमें आपको अर्थ के मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, अर्थ को किस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, इसमें कोई भी तरीके से इरिगेशन हम लोग नहीं करते हैं इस फेस्टिवल में, अर्थ को प्रोटेक्शन करना है इसका मेन आपको मकसद है। ये रज फेस्टिवल का 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है ओडिशा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है सेंट तुकाराम शिला टेम्पल का, सेंट तुकाराम शिला टेम्पल का इनॉग्रेशन किया है, ये कहाँ किया है? तो ये किया है आपको देहू पुणे में। कहाँ पे किया है? देहू पुणे में संत तुकाराम शिला मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मेष काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्मेष जो है ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है, पहला इंडिया का लिटरेचर फेस्टिवल है उन्मेष, ये कहाँ पे हुआ है? और ये हुआ है आपको ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शिमला। शिमला में आपको उन्मेष फेस्टिवल हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्नुम इस्तुम योजना, नाम से स्पष्ट है कि ये तमिलनाडु सरकार का है एम के स्टालिन जी के द्वारा। इन्नुम इस्तुम आपको योजना स्टार्ट की गई है। एक्चुअली में ये योजना क्या है, क्योंकि 2 साल से जो कोविड में आपको बच्चे लोगों ने ऐसे पढ़ाई नहीं की है, तो बच्चे लोगों के लिए आपको न्यूमोलॉजी के लिए या बच्चे लोग को आगे बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम का स्टार्ट किया गया है एम के स्टालिन जी के द्वारा, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्नुम इस्तुम योजना का स्टार्टिंग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंडिया का वो है कितना है? तो ये काफ़ी बड़ा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेशियो है वो काफ़ी बड़ा है, 69.7 आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। वर्ल्ड में 72.6 है, सबसे ज़्यादा इंडिया में दिल्ली में है।
अगर बात किया जाए मेल और फीमेल का, तो आपको ये तो पता ही होगा कि फीमेल जो है वो खून चूसती है, तो इसके लिए भैया फीमेल का ज़्यादा ही होता है, तो फीमेल 71.7% के रूप में, और मेल जो है भैया अपना साफ सुथरा आदमी 68.4 का आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ आपको रहता है, मेल 68.4 फीमेल 71.1 के साथ। नाउ नेक्स्ट एंड हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक और डिफेंस का न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द विंची मिशन नोट कर लीजिए, आने वाला क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन आपको है, द विंची मिशन। द विंची मिशन जो है ये किस सेलेस्टियल बॉडी से, किस ग्रह के लिए आपको ये मिशन लॉन्च किया गया है, तो इसका लॉन्च किया गया है आपको वेनस, वी से याद रखिएगा वेनस, ठीक है, डीप एटमोस्फेरिक वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, ये डा विंची का फुल फॉर्म है, ये नासा का मिशन है, वेनस के पढ़ाई के लिए मिशन है, और टारगेट रखा गया है कि वेनस में ये 2031 तक ये मिशन पहुंच जाएगा, ये डा विंची जो है वो पहुंच जाने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया का पहला एनिमल कोविड वैक्सीन, एनिमल कोविड वैक्सीन इंडिया कहाँ कौन सा है, तो ये है आपको एनोकोवैक्स, एनोकोवैक्स नेशनल रिसर्च सेंटर हरियाणा के द्वारा डेवलप किया गया है, एनोकोवैक्स इंडिया का पहला एनिमल कोविड वैक्सीन, ओके। और बात किया जाए हमारे और बच्चों के लिए किसको मंजूरी दी गई थी, तो बच्चों के लिए मंजूरी दी गई थी कोवैक्सीन को, और इंडिया का पहला डीएनए वैक्सीन कौन सा है, तो जायकोव डी जो है इंडिया का पहला डीएनए वैक्सीन है, एक्चुअली में ये वैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आपको है, ओके, एनोकोवैक्स। नाउ किस कंट्री ने मोस्ट डिटेल मैप मून का लॉन्च किया है, चाइना, रशिया, यूएसए या इंडिया, तो ये चाइना ने किया है, ये किसने किया है, चाइना ने आपको मोस्ट डिटेल मैप ऑफ मून, जिसमें हर एक तरीके से डिटेल जो आपको मिलने वाली है, चाइना ने इसे रिलीज कर दिया है, ओके। अभी हाल ही में जस्टिन बीबर को एक डिजीज हुआ है जिसका नाम है रामसे हंट सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामसे हंट सिंड्रोम है, ये डिजीज किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा फैलता है रामसे, ठीक है, तो ये फैलता है आपको वायरस से, बात किया जाए वायरस के बारे में, वायरस का नाम है वेरिसेला जॉस्टर वायरस, और इसमें क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम को आपको अफेक्ट करता है, और इसमें एक साइड जो होता है ना, एक साइड बॉडी का पैरालाइज हो जाता है, और अगर बात किया जाए तो ये टेम्पोरी पैरालिसिस है, और ये बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से ये आपको बीमारी होती है, रामसे हंट सिंड्रोम आपको बीमारी होती है, वेरिसेला जॉस्टर वायरस के द्वारा नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और इसको में आधा बॉडी आपको पैरालाइज होता है, जो कि एक टेम्पोरी बेसिस पे पैरालाइज होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी टू आपको बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया गया था, ये मिसाइल किस तरह का है, सरफेस टू एयर, सरफेस सरफेस, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये रेंज है 250 से लेकर 350 किलोमीटर तक का, मींस इसका रेंज जो है वो पाकिस्तान तक ही जाने वाला है, पाकिस्तान से आगे इसका रेंज नहीं है, तो पाकिस्तान इससे बच के रहे, ठीक है। पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइल है ये, और इसे कहाँ टेस्ट किया गया है, चांदीपुर उड़ीसा से इसे टेस्ट किया गया है, तो एक आपको प्रोग्राम था आपको, ठीक है, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसमें आपको 5 मेजर आपको मिसाइल्स की डेवलपमेंट की गई है, तो उसे आप याद रख सकते हैं पटना से, PATNA पटना से आप इसे याद रख सकते हैं, आपको पी से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 आपको मिसाइल ये डेवलप किया गया था, ठीक है, इसमें से आपको पहला जो है वो पृथ्वी मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है आपको, ओके। नाउ पहला रोड स्टील स्लैग का बना हुआ, स्टील स्लैग और स्टील इंडस्ट्री में जो आपको इम्प्योरिटीज बचती है उससे आप बना दिया गया है स्लैग बना दिया गया, रोड बना दिया गया, और ये कहाँ बना है, तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सूरत में, अब कहाँ बना है ये, सूरत गुजरात बना है, और इसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील ने इनॉग्रेट किया है, रामचरण प्रसाद सिंह ने इनॉग्रेट किया गया है, स्टील स्लैग्स बना गया है, 6 लेन का आपको रोड है आपको, ओके। कौन सा कंट्री ने बोला है कि वो सोलर पावर प्लांट लगाएंगे स्पेस में 2028 तक, तो इसका आंसर भी है चाइना, चाइना ने बोला है कि वो सोलर पावर प्लांट लगाने वाले हैं स्पेस में 2028 तक, जिसमें आपको सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बना करके काफ़ी तरीका से हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इसमें चाइना ने ये बात बोला है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और काफ़ी मैंने हर एक सेक्शन को डिटेल वाइज बताया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और साथ साथ कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। नीचे आप जाओगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, 1% भी आपको अगर किसी आपके दोस्त ने नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर दिखाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।
जय हिंद, बाय बाय।